ग्यारह दिन सिर्फ एक टुकड़ा पानी में उबाल कर पी लो। 100 सालों तक बुढ़ापा, कमजोरी, अनिद्रा, थकान, कमजोर आंखें, खून का गाढ़ा होना, खून में गंदगी, सुगर, कोलेस्ट्रॉल, पेट के रोग, मोटापा और ये दिल से जुड़ी बीमारियां आपको कभी नहीं होंगी। नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे चमत्कारी नुस्खे को बनाकर दिखाएंगे। यदि आप इस नुस्खे को अपने घर पर बनाकर इस एक टुकड़े को पानी में उबालकर हर रोज लगातार 11 दिन तक पी लेते हैं तो इससे आपको अपने शरीर में चमत्कारी बदलाव महसूस होगा। दोस्तों, इससे आपके शरीर की जो खून है शरीर के अंदर उसकी पूरी तरह से गंदगी साफ हो जाएगी। अगर यदि आपका खून गाढ़ा रहता है तो वो पतला हो जाएगा, यानी कि खून को पतला करने के लिए आपको दवाइयों का सेवन नहीं करना पड़ेगा। इतना चमत्कारी है इसका और आपके सारे खून को साफ करने का काम भी करेगा। और दोस्तों, यदि आपके खून में गंदगी नहीं है और आपका खून साफ है और आपका खून पतला है तब आप दिल की बीमारियों से हमेशा बचे रहेंगे। और ना सिर्फ इन दिल की बीमारियों से बल्कि आपके चेहरे पर भी नया ग्लो आएगा, क्योंकि इससे हमारे चेहरे पर फुंसियां नहीं होती, हमारा चेहरे पर बुढ़ापा इतनी जल्दी नहीं आता। हमारे चेहरे पर बुढ़ापे आने का सबसे बड़ा कारण होता है, जो ब्यूटी से रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू होती है उसके सबसे बड़ा कारण है खून की गंदगी। और आपकी इस खून की गंदगी का ये बिल्कुल एक जड़ से इलाज है, यानी आपको हमेशा इस बुढ़ापे से बचा कर रखेगा। दोस्तों, यदि आपके शरीर में कहीं भी कमजोरी है, आपके शरीर की इस कमजोरी का भी एक रामबाण इलाज है और आपके शरीर को शक्तिशाली और फौलादी बनाने का काम करता है। दोस्तों, यदि आपको अनिद्रा है और इस अनिद्रा की बीमारी के कारण आपके शरीर को बहुत सारी बीमारियों ने जकड़ रखा है या फिर जकड़ने की राह देख रहे हैं, क्योंकि ये अनिद्रा हमारे शरीर की बहुत सारी बीमारियों का कारण बनती है। दोस्तों, एक तो इससे हमारा अगला दिन पूरा खराब जाता है, दूसरा हमारा शरीर भी बीमारियों का घर बनना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, ये नुस्खा आपकी उस समस्या का भी समाधान है। आपको अनिद्रा की समस्या नहीं होती और आप पूरा दिन एक्टिव फील करते हैं, आपको थकान की समस्या भी नहीं होती। दोस्तों, यदि आपकी आंखों पर चश्मा लगा हुआ है और आप अपनी आंखों की रोशनी को बढ़ाना चाहते हैं या फिर आपकी आंखों से पानी आता है, जब आप कोई बाइक वगैरह चलाते हैं तो आपकी आंखों से पानी आता है या आंखों में दर्द रहता है, जलन होती है, तो दोस्तों उसका भी ये एक रामबाण नुस्खा है। आप इस काढ़े को हर रोज अपने घर पर बनाकर पीजिए। दोस्तों, आप इस टुकड़े को पानी में उबाल कर पीजिए, आपकी यह समस्या बिल्कुल दूर हो जाएगी। आपकी आंखों की रोशनी को बढ़ाने का काम करेगा, जिससे कि धीरे धीरे आपकी आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी और उनसे चश्मा हमेशा हमेशा के लिए हट जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले यदि आपको डायबिटीज की समस्या है, दोस्तों तब भी आपको इस नुस्खे का सेवन करना चाहिए। और यदि आपको डायबिटीज की समस्या नहीं है और आप जिंदगी भर के लिए इस शुगर की बीमारी से बचे रहना चाहते हैं, दोस्तों तब भी आपको इस काढ़े को अपने घर पर बनाकर सेवन करना चाहिए, इस नुस्खे को हर रोज पीना चाहिए। और यदि आपको डायबिटीज की बीमारी है तब तो आपको इसका सेवन करना ही करना चाहिए, क्योंकि तब आपको डायबिटीज की बीमारी के कारण दिल की बीमारियां, किडनी की बीमारियां, लीवर की बीमारियां होने का खतरा बहुत अधिक रहता है। और यदि आप इनसे बचना चाहते हैं, इस शुगर की बीमारी के कॉम्प्लिकेशन से बचना चाहते हैं, तब आपको इसका सेवन करना चाहिए, क्योंकि इस डायबिटीज की बीमारी के कारण हमारा खून गाढ़ा हो जाता है। दोस्तों, हमें किडनी के रोग लग जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो जाती है, दिल की बीमारियां लग जाती हैं और आपकी इन सब बीमारियों का ये नुस्खा इलाज है। यदि आपके शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल बहुत अधिक बढ़ा हुआ है और आप अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को सही करना चाहते हैं, जिससे कि आपको ना तो जिंदगी भर हार्ट ब्लॉकेज हो या कहीं भी शरीर में कोई भी नस ब्लॉक ना हो और दूसरा आपको हार्ट अटैक भी नहीं आए, यानी आप हार्ट अटैक से भी बचे रहें, तो दोस्तों आपको इस काढ़े का सेवन करना चाहिए, क्योंकि ये काढ़ा आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को सही करने का काम करेगा, जिससे आप हर तरह की ब्लॉकनेस से बचे रहेंगे, ना तो आपको हार्ट ब्लॉकेज होगी और ना ही हार्ट अटैक की समस्या का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, यदि आपको पेट में गैस, कब्ज, एसिडिटी की समस्या है या आपका पाचन तंत्र कमजोर है, तो दोस्तों तब भी आप इस नुस्खे का सेवन कीजिए, क्योंकि इससे आपका पाचन तंत्र मजबूत होगा और आपका पेट भी खुलकर साफ होगा, जिससे आप कब्ज, एसिडिटी और गैस जैसी समस्याओं से बचे रहेंगे। यदि आपको मोटापा है और आप अपने मोटापे को कम करना चाहते हैं, इस पेट की चर्बी को पिघलाना चाहते हैं, दोस्तों तब भी यह नुस्खा आपके लिए वरदान की तरह काम करेगा, आपकी इस समस्या का बिल्कुल जड़ से इलाज करेगा। या आपको जोड़ों या गठिया के दर्द की समस्या है तब भी आपको इस नुस्खे को लेना चाहिए। ये
आपके जो कार्टिलेज हैं उनके अंदर जो ग्रीस की कमी आ जाती है, लुब्रिकेंट की जो कमी होती है, उसको सही करने का काम करेगा, जिससे कि आपको जोड़ों के दर्द, घुटनों के दर्द का सामना नहीं करना पड़ेगा। इतना चमत्कारी है नुस्खा। और दोस्तों आज की इस वीडियो की जो मुख्य सामग्री है वो है दोस्तों अर्जुन की छाल। दोस्तों हम ये जिस टुकड़े की बात कर रहे हैं वो टुकड़ा है दोस्तों अर्जुन की छाल का टुकड़ा। दोस्तों ये आपको नजदीकी आपके पार्क वगैरह से मिल जाएगा, कहीं भी आपके आसपास सड़कों के किनारे इसके पेड़ खड़े हुए आपको मिल जाते हैं। या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी इसको बाय कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप किसी भी बीमारी के लिए दवा लेना चाहते हैं तो इस वीडियो में जो आप नंबर देख रहे हैं उस नंबर पर कॉल कर आप अपने घर पर ही दवा मंगा सकते हैं और अपनी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। अब दोस्तों अर्जुन की छाल लेनी है अपने, और दूसरी जो सामग्री है वो लेनी है दोस्तों दालचीनी। दोस्तों दालचीनी को मसालों की महारानी कहा जाता है, और दोस्तों इस दालचीनी को यदि आप किसी भी नुस्खे के साथ मिला देते हैं तो उस नुस्खे की पावर कई गुना अधिक बढ़ जाती है। दोस्तों वैसे तो दालचीनी अपने आप में ही बहुत सारी बीमारियों का इलाज करने की क्षमता रखती है, लेकिन यदि आप किसी नुस्खे के साथ इसको मिलाएंगे तो उस इलाज करने की क्षमता में 100 गुना तक की बढ़ोतरी हो जाती है। ऐसा है दालचीनी का प्रयोग किसी भी नुस्खे के साथ। तो दोस्तों अब जानते हैं कि आपने इसका प्रयोग करना कैसे है। दोस्तों आपने क्या करना है, 2 गिलास पानी लेकर आग पर उबलने के लिए रखना है। अब आपने उसमें एक टुकड़ा अर्जुन की छाल का डालना है धोकर, जैसे कि ये हमने डाल दिया। अब आपने इसमें एक चुटकी डालनी है दालचीनी पाउडर, और आपने इसको तब तक उबालना है जब तक कि आपने 2 गिलास पानी लिया था और वो उबल उबल कर 1 गिलास न रह जाए। और जब वह उबल उबल कर 1 गिलास रह जाए तब आपने इसका हल्का गुनगुना ही सुबह बासी मुंह सेवन करना है, और शाम को भी आप इसको खाली पेट सेवन कर सकते हैं। आप अगर आपको कम प्रॉब्लम है तब आप 1 बार लीजिए, यदि आपको अधिक प्रॉब्लम है तब आप 2 बार लीजिए। पर एक बात का ध्यान रखिए दोस्तों, यदि आपको इससे कोई भी साइड इफेक्ट नजर आए तब आप इसका सेवन बंद कर दीजिए, या आपको पाचन में दिक्कत हो तब भी आप इसका सेवन बंद कर दीजिए। वैसे तो इसका किसी भी तरह का कोई भी नुकसान नहीं है, लेकिन यदि फिर भी आपका शरीर इसको हजम ना करे तब आपको इसका सेवन नहीं करना चाहिए, तब आप हमारी नेक्स्ट वीडियो देखिए, उसमें हम आपको इसका इलाज आपको बताएंगे कि इसकी जगह आप कौन सा नुस्खे का प्रयोग करें। तो दोस्तों यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का आइकॉन है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी सभी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। धन्यवाद दोस्तों।